हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे NSDL का पेन सेंटर के बारे में, जो कि इस समय बहुत ही कम ही कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं अपना पेन सेंटर आपको खुद से लॉगिन करके दिखा देता हूं, और पेन सेंटर हम गूगल पे कैसे देखते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम NSDL का जो एप्लीकेशन होता है रन, इसे रन करेंगे। इसके बिना हमारा जो NSDL का पेन सेंटर लॉगिन नहीं होता है, तो इसे हम रन कर लेंगे। रन हमने कर लिया है, उसके बाद हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके बाद रिलीगेयर लॉगिन मैनेजर पर क्लिक करेंगे। देखिए NSDL का लॉगिन मैनेजर, आप यहां से भी NSDL लॉगिन मैनेजर आप यहां से भी लिख सकते हैं। तो आप यहां से आ जाएंगे, सेम ही URL आपका आ जाएगा। देखिए यहां से भी यही स्क्रीन खुल के आई थी और यहां से भी यही स्क्रीन खुल के आएगी। मैं यहां से क्रॉप मतलब ये पेज हटा देता हूँ। और देखिए पासवर्ड मैंने सेव रखा है, चाहो तो आप यहाँ से बिना सेव के भी उसे डाल सकते हो। लॉगिन कर लिया मैंने और देखिए मेरा पेन सेंटर खुल चुका है और ये मेरी यूज़र आईडी है। और मैं होम पर क्लिक करता हूँ। होम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरे कुछ डिटेल आ जाएगी। देखिए मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है, मेरा ब्रांच कोड आ गया, फैसिलेटर जो है हमारा रिलीगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड है, और आप देख सकते हैं सब कुछ आ गया। यहाँ से इसे कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको पेन एप्लीकेशन आपको कोई चेंज या करेक्शन करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और अगर आपको न्यू पेन कार्ड बनाना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो देखिए कुछ ही डिटेल यहाँ पर फिल होती है और आपका 2 मिनट में पैन कार्ड बन जाता है, मतलब पैन कार्ड की स्लिप जनरेट हो जाती है। यहाँ से देखिए डालेंगे, उसके बाद अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है मतलब ई पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ से पेपरलेस ई पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आ रहा है EKYC एप्लीकेशन चेंज रिक्वेस्ट, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन बेस भी कर सकते हैं। तो दोनों की सुविधा यहाँ है, और अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन पोर्टल का तो आप एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप बड़ी आसानी से पैन कार्ड सेंटर ले सकते हैं, जो कि इस समय बहुत कम कॉस्ट में रिलीगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप पेन सेंटर लेने का इच्छुक हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, अगर आपको किसी का पैन कार्ड सेंटर देखना है गूगल पर, अगर आप खुद से पैन कार्ड सेंटर लेते हैं और देखना चाहते हैं कि आपका पैन सेंटर गूगल पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है NSDL पैन सेंटर लिस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो पहला पेज खुलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां से सिटीज़ वाइज पिन कोड वाइज जो सभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं ज़िले का यहां पर पिन कोड डाल देता हूं। पिन कोड डालने के बाद यहां पर कैप्चा हम डाल देंगे, कैप्चे को हम एक बार चेंज कर लेते हैं सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस पिन कोड के जितने भी पैन कार्ड सेंटर होंगे वो हमारे सामने यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। अगर आप नज़दीकी में अपना पैन कार्ड सेंटर खुद का देखना चाहते हैं या अपने आस पड़ोस का देखना चाहते हैं कि आपके नियर में कितने पैन सेंटर चल रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है सर्च पैन सेंटर नियर योर लोकेशन, तो आपकी लोकेशन के आसपास में जितने भी पैन सेंटर होंगे आप यहाँ से इस माध्यम से देख सकते हैं, वरना आप सिटी सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। हम दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं, तो अभी शायद इसमें प्रॉब्लम चल रही है सर्वर में इसके, तो नहीं दिख रहा है। तो आप इस तरीके से पैन सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी। थैंक यू भाई सभी का वाचिंग करने के लिए।